एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हम सब भी काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइज, एक आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग रिक्वेस्ट थी कि क्यों मैंने व्लॉग शूट करूँ मैं, क्योंकि ना बहुत टाइम होता है गाइज कि ऐसे पर्सनली बातचीत नहीं हो पाती। बट हाँ, क्यों मैंने व्लॉग ऐसा होता है जिसमें मैं आपके मन की बातें जान जाती हूँ और फिर मैं एज अ व्लॉग के थ्रू आप लोगों को भी आंसर्स दे देती हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पर, बट ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, मुझे थोड़ा जल्दी अपलोड करना था। बट हाँ, ये मैंने क्वेश्चंस तो पिक कर लिए थे, बट थोड़ा मुझे लेट हो गया था अपलोड करने में क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करी होगी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखी होगी, एंड अगर नहीं फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको मेरे इंस्टा की प्रोफाइल पूरी दिख जाएगी, आप लोग देख लेना, वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो मैंने वहाँ पर एक स्टोरी अपडेट करी थी जो कि Q&A व्लॉग की थी, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड यार, मतलब सीरियसली इतने सारे क्वेश्चंस, इतने रिपीटेड थे ना कि मतलब मैं सोच रही थी कि आप सब लोग कैसे एक ही चीज़ जानना चाहते हो। मतलब बहुत सी ऐसी बातें होती जो सब लोगों के सेम क्वेश्चंस एक टॉपिक को लेके या फिर एक किसी पर्सन को लेके, मतलब आप लोगों के बहुत लोगों के सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने उनमें से कुछ 10 से 12 क्वेश्चन पिक करे हैं जिनके आंसर मैं अभी देने वाली हूँ, एंड मैं क्वेश्चन यहाँ पर अटैच करने वाली हूँ या नहीं ये मैंने अभी डिसाइड नहीं करा, ये मैं एडिटिंग टाइम पर डिसाइड करती हूँ, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। बाकी जिनके क्वेश्चंस व्लॉग में होंगे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हमारा क्वेश्चन था या ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने पिक नहीं करे हैं बट हद से ज़्यादा पूछे हुए थे, तो उनका आंसर मैं आप लोगों को ऐसे ही दे दूंगी, बिना क्वेश्चन मैंने वो पिक ही नहीं किए थे, बट बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ये पूछा हुआ था कि अभी लास्ट हम लोगों के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। सो गाइज, वो जब अभी व्लॉग्स आने स्टार्ट हुए थे तो हम लोगों ने आपको बताया था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ हो गई थी जिस वजह से हम लोग थोड़ा बिजी थे किसी और काम में, सो हम लोग व्लॉग्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह नहीं शूट कर पा रहे थे। एंड कोई कुछ इतनी बड़ी बात भी नहीं कि आप लोग बोल रहे थे हमें टेंशन हो रही है, हमें बताओ ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट नॉर्मल थिंग थी। तो उस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे, दूसरी साइड है हम लोगों का माइंडसेट भी नहीं था, तो हम लोग कोई भी व्लॉग्स उस वजह से शूट नहीं कर रहे थे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप लोग परेशान हो, और फिर आप लोग बोल रहे थे कि आप लोग फैमिली हो तो आप लोगों के साथ सबको शेयर करना चाहिए। सो यस गाइज, आप लोग फैमिली हो, बट होता है यार कुछ कुछ चीज़ें, कभी कभार हम फैमिली में रहते हैं, हम सबके परिवार है, आप लोगों को भी पता है, आप सबके भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, और सबका परिवार होता है। तो कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब हम अपने घर वालों को भी नहीं बताते, बहुत बार ऐसा होता है आप, और ये बात हर कोई बंदा समझता होगा, क्योंकि कई बार होता है कि हाँ भाई फैमिली में रहते हैं, मम्मी है, पापा है, 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, चाचा ताऊ हैं, सब है, पर फिर भी हमारे साथ कुछ हो या हमारी कुछ बात हो तो हम नहीं पसंद करते कि हाँ हम घर में मम्मी को बताएं या पापा को बताएं। कुछ अपनी चीज़ें भी होती हैं, तो कई बार होता है ऐसा कि हम फैमिली में भी शेयर नहीं करते, तो वो जस्ट नॉर्मल सी बात है। बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट एंड फाइन है, सो आप लोग भी टेंशन फ्री रहो एंड जो व्लॉग्स आ रहे हैं उन्हें इंजॉय करो बाकी चीज़ों को स्किप करके, ठीक है। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ, जिनका मैं चलो ऐसे शेयर करूंगी मैं आप लोगों को, या साइड में एक कॉर्नर है यहाँ मैं ऐसे शो करूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ योर फ्यूचर इन लॉज नॉट अलाउड इट यू टू बी एन इन्फ्लुएंसर। काफी लोगों ने ये पूछा हुआ था, सो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसलिए पिक किया था। गाइज, मुझे मतलब मुझे नहीं चलेगा ऐसे अगर मेरे इन लॉज कल को मुझे मना करते हैं या कुछ करते हैं, बिकॉज पहले क्या था ना कि हम लोग ऐसे ही कर लेते थे कि मन है तो कर लिया, नहीं कर लिया। बट ना अब मुझे इस काम में काफ़ी इंटरेस्ट है और मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं अभी से ये नहीं समझती कि मैं रील शूट कर रही हूँ या मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं इसे एज अ मेरे काम की तरह रखती हूँ कि हाँ ये मेरा काम है और मुझे करना है। तो अब अगर कल को कोई मुझे यूँ बोले कि तुम्हें वीडियोज़ नहीं बनानी या तुम्हें व्लॉग्स नहीं बनाने, तो मुझे नहीं चलेगा ये। तो जो भी इन लॉज होंगे, मैं जैसे लड़की देखने आते हैं अभी लड़का देखने जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती है ना, रखी जाती हैं, हाँ ये है और वो है, सो मैं अपना पहले रख दूंगी, इन्फ्लुएंसर हूँ, बन के रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। बाकी वैसे आजकल का इसको इतना माइंड नहीं करता इन्फ्लुएंसर होना, कोई गलत काम तो नहीं है जो किसी को भी इनफैक्ट दिक्कत होगी। आजकल वीडियोस बनाना बहुत नॉर्मल है, आप हर घर में जाओगे तो हर दूसरा बंदा वीडियो शूट करता है, हर दूसरा बंदा ब्लॉग शूट करता है, तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है कि हाँ मेरे इन लॉज मना करें, बट अगर करेंगे सो मुझे नहीं चलेगा, तो मैं ऐसे ही ढूंढूंगी जो मुझे अलाउ करे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा था। बाकी आप लोग बताना गाइज, अगर ऐसा कभी हो तो किसी लड़की को क्या करना चाहिए, जैसे अगर कोई अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर है या कोई लड़की जॉब भी करती है, तो कई बार होता है इन लॉज बोल देते हैं हम जॉब नहीं करवाएंगे, हम ये नहीं करवाएंगे,
बट यार काम है उसका, वो कर रही है अगली, तो उसके घर वालों ने अभी तक नहीं रोका, तो आगे भी नहीं रोकना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अपने पैरों पे खड़ी है भाई, कर रही है अपना काम, तो उसे सपोर्ट करें बल्कि रोके नहीं। तो मेरे लिए तो मुझे तो अपना काम करना है, अभी भी करना है, आगे भी करना है, और पूरे फ्यूचर करना है, और पूरी ज़िंदगी करना ही है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं जब भी क्यूएनए की स्टोरी लगाती हूँ सब लोग मुझसे पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि शादी कब करनी है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था कि दी आप जब भी शादी करो, हमें पता है वो तो होनी है, नॉर्मल सी बात है, तो क्या आप अपनी यूट्यूब और इंस्टा फैमिली को इन्वाइट करोगे? तो येस गाइज, मैं बिल्कुल करूंगी। और ये बात मैंने आपको क्यूएनए ब्लॉग में बताई भी थी कि हाँ, जब भी मेरी शादी होगी तो जो मेरे मेरा इन्विटेशन कार्ड होगा वो आप लोगों के लिए ऐसे खुला हुआ होगा। एंड हाँ, ये 100% सच है कि जब भी मेरी शादी होगी, मतलब सच क्या, एकदम पक्की बात है, जब भी मेरी शादी होगी आप सब लोग इन्वाइटेड होंगे। अब बाकी आना आप लोगों के हाथ में है कि अब आप लोग आओगे या नहीं, वो आपके हाथ में है। बट हाँ, मैं यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी अपना इन्विटेशन कार्ड ज़रूर शेयर करूंगी, और आप सभी मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से इन्वाइटेड होंगे, तो आप सभी आना। ये मैं बात आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोलूंगी, और जब शादी होगी तब भी बोलूंगी, बट हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर इन्वाइट करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा फैन पेज है कशिश एक्स डायमंड, बहुत अमेजिंग है ये, बहुत अच्छे से मेरा फैन पेज चलाते हैं और इतनी प्यारी प्यारी एडिटिंग करते हैं, मुझे काफ़ी पसंद है इनका फैन पेज। एंड थैंक यू सो मच यार, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मेरे फैन पेजेस हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी वीडियोज़ को इतना अच्छा अच्छा एडिट करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए थैंक यू। एंड उनका क्वेश्चन ही ये था, हाउ मच यू लव योर फैंस, प्लीज़ से माई नेम वंस, हिमांशी लव यू दीदू। सो हिमांशी, आई लव यू टू। एंड मेरा मेरे फैंस से, यार आप लोगों से मीन्स फैंस नहीं हो, ऐसे मैं कभी ट्रीट नहीं करती कि हाँ ये फैंस हैं या कुछ है, बट हाँ आप लोगों से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार है, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हो, तो वही बात है ना, जहाँ इज्जत मिलती है इंसान वहाँ इज्जत देता है, तो जहाँ प्यार मिलता है इंसान भी वहाँ प्यार देता है। तो आप लोग मुझे बैड टाइम हो गुड टाइम हो, आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हो, साथ रहते हो, कुछ भी हम बोलते हैं उन चीज़ों को करते हो, सो आप लोग भी हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाते हो। सो मैं तो आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, जितने भी हैं मुझे मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं देखते भी हैं, बकवास भी करते हैं, और फिर अगर उन्हें कमेंट में कमेंट भी करेंगे उल्टे सीधे, देखेंगे भी, उन्हें पसंद भी नहीं है तो भी पूरी नज़र भी बनाए रखते हैं ऐसे लोगों से ना, फिर मतलब उनके लिए है कि हाँ उनके लिए मन से कभी कुछ बोला हो तो बोला हो, बट हाँ जो लोग पसंद करते हैं उन लोगों को हम भी काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे कई कई लोग हैं जो जिनके मुझे मेरे कई सब्सक्राइबर्स हैं जो हमेशा अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे उन लोगों के नाम भी याद है, कई लोग हैं ऐसे, मैं कई देखती हूँ, कुछ यूज़र करके हैं, कोई जान भी है, उनके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, और ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, और हाँ मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ जब मैं फ्री रहती हूँ, और इंस्टा पर भी रिप्लाई कर देती हूँ, तो काफ़ी लोग अच्छे हैं जो प्यार करते हैं, तो आप सब लोग बहुत ज़रूरी हो और अच्छे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशिश आपने इंस्टाग्राम पर कैसे अपना काम, अपना इतना नाम किया, मतलब आपने इंस्टाग्राम पर स्टार्टिंग कैसे करी? सो गाइस देखो, मैं बताऊं तो अभी मुझे नहीं लगता कि मैंने इंस्टाग्राम पर अपना कोई नाम करा है यार, क्योंकि अभी तो बस मुझे ऐसा फील होता है कि ये बस स्टार्टिंग है, अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि मैंने कुछ इतना बड़ा करा है जो जिससे नाम हो या कुछ हो, बस मुझे हाँ ऐसा फील होता है कि अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ करना है यार, अभी मतलब मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि गाइस वही है, बात बताओ तो नज़र लगा देते हैं यार लोग, क्योंकि आजकल लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे के सुखों से पर इतने दुखी है ना भाई साहब कि मतलब हद हो जाती है, मतलब लोग हैं यार ऐसे आजकल, मतलब किसी को अपने मन की खुशी भी बताओ ना तो वो लोग मतलब मन में जल जल के ऐसी नजर लगा देते हैं ना भाई, बनता बनता काम बिगड़ जाता है यार। तो इसलिए मैं अपने मन की बातें ना मैं अपने खास बंदे से भी शेयर करना पसंद नहीं करती, मैं कुछ इसी टाइप की हूँ, मैं नहीं बताना पसंद करती कोई मेरा कितना भी सगा क्यों हो, बट हाँ जिस चीज़ को लेके मैं बहुत वो हूँ ना कि मतलब ये चीज़ मुझे करनी है या ये मेरी है या मुझे ये चीज़ किसी को नहीं बतानी, तो फिर वो कोई भी हो मेरे सामने मैं नहीं शेयर करती। तो ऐसा बहुत कुछ है मेरी लाइफ में जो मुझे अभी करना है, और उनमें से एक भी चीज़ अभी तक मैंने नहीं करी है, तो अभी तो मुझे बहुत जाना है, बाकी ऐसे ही आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे तो भगवान करे जो जो मैं चाहती हूँ वो सब मुझे हासिल हो। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आपके साथ 2024 में क्या कुछ अलग हुआ है बताना प्लीज। गाइज मैंने 2024 से हाथ जोड़ लिए, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है ना गाइज, जब से तब से मुझे दुखों के अलावा इस 2024 ने कुछ नहीं दिया। हाँ ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोलूंगी गाइज, क्योंकि जैन में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, फैब में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, मार्च चल रहा है मार्च में कुछ अच्छा नहीं हुआ, एंड फिर अब मैं ये सोच के डर रही हूँ कि अभी तो 2024 जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा पूरा साल निकलना है,
और अगर ये इसी तरीके से मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ निकलता रहेगा, जैन और फैब तो मेरे लिए इतने खराब रहे ना गाइज। मतलब जब से ये ईयर स्टार्ट हुआ है मैं दुख में ही हूँ, अभी तक मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुख में ही हूँ। सो 2024 मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट हाँ, मैं प्रे यही करूंगी कि बस यार जितना होना था हो गया। अब जो भी जैन में, आप लोगों को पता है मेरे अकाउंट के साथ प्रॉब्लम हुई थी, फैब में भी हुई थी, मार्च में भी कुछ और इश्यूज हो गए हैं। सो मेरे लिए 2024 बिल्कुल अलग ही है गाइस। हाँ वैसे अलग ही है, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आया 2024। मन तो कर रहा है कि ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना, स्किप कर दो इंसान अपनी लाइफ में से। काश डोरेमोन होता ना, सच में स्किप ही कर देती। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया गाइस। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं गाइज। मैंने पिक तो कर लिया था बट अभी मेरा मन नहीं है इसका आंसर देने का, सो हम इसे स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पहले चैलेंजिंग व्लॉग शूट करती थी, दोबारा से स्टार्ट करो कुछ हटके चैलेंज, कुछ हटके एक दिन पूरा पंजाबी में रहना है आपको, लिविंग लाइक पंजाबी। तो गाइज हाँ, मैं पहले करती थी तो हाँ मैं फ्री रहती थी यार, मेरे पास काफ़ी टाइम होता था और काम नहीं थे तो मैं कर लेती थी। बट अभी मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, तो मेरे पास और भी बतेरे काम होते हैं यार, तो यार मुझे इतना टाइम नहीं लग पाता कि मैं फुल डे के लिए कुछ प्लान कर पाऊँ। और कर भी पाती हूँ तो अच्छा एक दो दिन ऐसा हो सकता, बट डेली कंटिन्यू अगर मैं रेगुलर करूँ तो वो नहीं हो पाता। बट हाँ मैं ट्राई करूंगी कि हाँ ये लिविंग लाइक अ पंजाबी फॉर 24 आवर्स, ये वाला तो मैं करूंगी थोड़ा जल्द में ही करूंगी। और कौन कौन चाहता है कि मैं ये वाला चैलेंज करूँ, कमेंट करके बताना अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो। अगर आप लोग एक्साइटेड होंगे तो मैं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आप कुछ भी अपलोड करो बेशक व्लॉग में, बस बातें करते रहा करो, लेकिन व्लॉग हमसे लेकिन व्लॉग बनाओ, मन नहीं लगता बिना ब्लॉग के। काफी सारे अभी बीच में हम लोगों के ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, दी कुछ भी अपलोड करो, शॉर्ट्स ही डालो, कहाँ हो, कुछ तो बताओ, ब्लॉग्स डालो। तो गाइज बस यही है ऑफिशियल साक्षी का ये क्वेश्चन था। तो गाइज यही आप लोगों का प्यार है यार, हम लोग नहीं ब्लॉग डालते तो सच में आप लोग मिस करते हो। एंड काफी दिनों के बाद जब हम लोगों ने ब्लॉग डाला था तो उसमें बहुत सारे कॉमेंट्स थे, वेलकम बैक या मिस यू दीदू, बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स थे आप लोगों के, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हाँ मैं ट्राई तो करती हूँ डेली ब्लॉग डालू, बट अभी मेरा माइंड सेट थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो रखा है, तो अभी ना मीन्स अंदर से, मतलब जब इंसान खुश नहीं होता ना गाइस तो फिर किसी और चीज़ का मन भी नहीं करता, तो बस कुछ ऐसी सिचुएशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं होते तो आप क्या करियर चूज करते? देखो गाइस, प्रॉपर इन्फ्लुएंसर तो मैं अभी भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर वही हो गया फिर कि और कुछ काम पर ध्यान नहीं देना। बट हाँ अगर मैं इन्फ्लुएंसर नहीं होती, वैसे तो मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, बस हाँ मैं नहीं, क्योंकि कई बार मैं बताती हूँ आप लोग मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो आप लोग मेरी बातों पर ट्रस्ट ही नहीं करते। मैं कॉलेज जा रही हूँ, इसमें स्कूल का ये बताती हूँ, आप लोग एज बताते हो तो आप लोग झूठ मानने लग जाते हो यार, आप ट्रस्ट ही नहीं करते, तो इसलिए मैं बताती भी नहीं। बट हाँ मैं अभी तो भी पढ़ाई कर रही हूँ स्टार्ट में वैसे। बट हाँ मैंने सोच रखा था कि मुझे टीचिंग कोर्स करना था, और बाकी मैं जो भी स्टडी कर रही हूँ वो भी मैं उसी के रिगार्डिंग ही कर रही हूँ। सो अगर मैं ये नहीं करती तो मेरा प्रॉपर जो मेरा कॉन्सेंट्रेट होता वो टीचिंग लाइन में ही होता, क्योंकि मैंने बचपन से सोचा हुआ था और मेरी कुछ बचपन की हरकतें भी ऐसी हैं जो आप लोगों को पता लगेगी तो आप लोग हंसोगे लिटरली। बट हाँ मैं वैसे अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ साथ साथ, और मेरे कॉलेजेस भी ओपन है, मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं लास्ट सेमेस्टर के, बट अभी मैं कुछ भी नहीं, और मैं 3 बार से कॉलेज भी मेरे मिस हो गए। मैं वैसे सोल से मैं कर रही हूँ बिकॉज रेगुलर कॉलेज के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, एंड फिर कॉलेज इतने दूर थे, मैं डेली अप डाउन नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास और भी ये भी काम है और भी काफ़ी काम है। सो मैं सोल से कर रही हूँ, बट हाँ मुझे अभी 3-4 बार से मेरे कॉलेजेस में मिस हो गए, मैं जा नहीं पाई, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं करी ना ही अभी तक मैंने बुक्स खोल के देखी हैं, कुछ भी नहीं करा मैंने। बट हाँ मैं फिर अगर ये नहीं करती तो मेरा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट जो है वो टीचिंग लाइन पे ही होता, जो अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार इनके ना इंस्टाग्राम पे भी बहुत मेरे पास मैसेजेस आते हैं एंड इस पे भी थे, तो मैंने क्वेश्चन नहीं था कोई बट मैंने पिक कर लिया। रिप्लाई करो मत करो, इट्स ओके बट बी हैप्पी ऑलवेज। सो थैंक यू तरुण नाम है इनका, ये इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेजेस करते हैं, कई बार होता है मैं फ्री होती हूँ मैं देख लेती हूँ तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, बट कई बार नहीं हो पाते। सो आप लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मतलब ये नहीं है कि हम लोग बात करें या कुछ करें, बट हाँ उन लोगों का तो मतलब उन लोगों का होता है कि हाँ बस हाँ खुश रहो ठीक रहो। कई लोग ऐसे हैं जो
अभी भी हम लोगों को ना मीन्स मैं रिप्लाई नहीं करती, बट हाँ कभी कभी वो नोटिफिकेशन शो हो जाती है, कुछ हो जाता है तो उन लोग कॉमेंट्स ऐसे होते हैं, दी आप रिप्लाई करो या मत करो, बट हाँ आप लोग कैसे हो बता दो, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, आप लोग ठीक हो, या ऐसे ऐसे कॉमेंट्स लोग करते रहते हैं, या एक दिन भी व्लॉग मिस हो जाता है, मैं बोल दूँ मेरी तबियत ठीक नहीं है, तो फिर आप लोगों के इतने सारे कॉमेंट्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है ना कोई होता है ना कि हाँ यार कोई पूछने वाला ही नहीं है, कई बार ऐसा फील होता है कि यार मेरी तबियत खराब है कोई पूछ ही नहीं रहा है, या मेरे साथ ये हो गया कोई पूछ ही नहीं रहा, बट हाँ आप लोग हो गाइज अच्छे हो, हमेशा पूछ लेते हो, तो इसलिए मैंने इनका क्वेश्चन पिक किया कि मैं इनका ब्लॉग में रिप्लाई दे दूंगी, और अगर ब्लॉग देख रहे होगे आप तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरे फ्रेंड का ही है गाइस ये, इंस्टाग्राम पे मेरे फ्रेंड है जतिन, आप इंस्टाग्राम लाइव से हमेशा अनएक्सपेक्टेड वे में गायब क्यों हो जाती है और लाइव बंद हो जाती है, तो गाइस ये चीज़ ना मुझे सब बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, पर मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मतलब ना मेरे को ना ऐसा लगता है कि यार मतलब जब लाइव बंद करके जान मैं लाइव आ रही होती हूँ ना, और अगर मुझे बंद करनी होती है तो मैं ऐसे नहीं बोलती कि चलो गाइस कल लाइव आएंगे और मैं आपसे कल बात करती हूँ, या कल मिलेंगे, या मैं रात को मिलूंगी और बाय गाइस गुड नाइट टेक केयर, मैं ऐसे नहीं बोलती, मेरा जब लाइव हो जाता ना मेरा मन करता है मैं ऐसे स्क्रीन नहीं हटाती, मैं ऐसे करके और पूरा यहाँ से उड़ा देती हूँ, और फिर वो लाइव अपने आप बंद हो जाती है, तो सबको लगता है कहाँ गायब हो गई, फिर मेरे पास मैसेजेस भी आते थे आप एकदम से कहाँ गए, तो मुझे मतलब पता नहीं क्यों गाइस, पर ना मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, और पता नहीं अभी मेरी आदत बन गई है, मैं क्यों करती हूँ पर मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं कभी भी ना लाइफ से जब मुझे जाना हो तो मुझे एंड करनी होती है, मैं बाय करती ही नहीं, मैं ऐसे ही मैं मतलब पूरी स्क्रीन हटाई, उड़ा दिया यहाँ से बीच में से, और फिर अपना नॉर्मल इंस्टा चलाने लगती हूँ, पर मैं क्यों नहीं बाय करती गई, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्यों नहीं करती, तो इसका तो जतन देखो आंसर मेरे पास भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग न्यू हाउस में कब शिफ्ट हो गए या फिर इसी सोसाइटी में रहोगे हमेशा, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे ये वाले, तो गाइज देखो ये बात मैं अभी नहीं शेयर कर रही, वैसे मैंने सोच रखा है हाँ बताना तो है ही आप लोगों को, बट हाँ मेरा मन था कि मैं अभी नहीं शेयर करूँ, मतलब अभी बताऊँ फिर दिखाऊँ, तो ऐसे मेरा मन नहीं था, तो मैंने कहा डायरेक्ट दिखा के आप लोगों से बात करेंगे, तो इसलिए देखो शिफ्ट तो गाइज हम लोग करेंगे हमेशा, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, पहले तो हम लोगों का ऐसा कुछ काम नहीं था या नहीं था तो हम नॉर्मली रहते थे, बट हाँ अभी है शिफ्ट तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अब वही है यार सोसाइटी वगैरह जैसे अपना पैशन हो इंसान का वैसे भी होनी चाहिए, सो हाँ बहुत सून आप लोगों को ऐसी गुड न्यूज़ भी मिलेगी जो मैं नहीं बताना चाहती, बट हाँ काफ़ी लोग हमेशा क्यों एन में पूछते हैं और मैं नहीं बताती, तो मैंने कहा चलो इस बार मैं बता ही देती हूँ, बहुत सून आप लोगों को ऐसी गुड न्यूज़ भी मिलेगी, जो मेरा खुद का भी काफ़ी बड़ा सपना है, मेरा सपना ही समझ लो आप यार मेरे लिए, और मेरा मन भी है काफ़ी ज़्यादा, मेरा क्या घर में सबका ही है, बट हाँ मेरा हद से ज़्यादा है, सबका होगा बट हाँ वही है मेरा हद से ज़्यादा है, बट हाँ ये गुड न्यूज़ मैंने सोचा था कि मैं लोगों को बताऊँ क्या, मैं डायरेक्ट दिखाऊंगी या मैं वैसे बताऊंगी, बट हाँ शिफ्ट तो होना ही है गाइस कहीं ना कहीं किसी अच्छी सोसाइटी में या किसी अच्छे एरिया में, हमेशा तो देखो नहीं चलने वाला काम यहाँ पे, बाकी ये ही था मेरा लास्ट क्वेश्चन, मे बी मैं चेक करती हूँ एक बार और क्वेश्चन मैंने पिक करे या नहीं, येस गाइज ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का भी एंड, आप लोगों को क्यू एन ए ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर लग रहा हो कि कुछ जानना रह गया है तो आप लोग ब्लॉग पे भी कमेंट कर सकते हो, वैसे ना मुझे मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि आप लोग मुझे यहाँ पे भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि आप मुझे क्यू एन ए लिख के आगे स्लैश डाल के अपना क्वेश्चन लिख सकते हो कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन है और आप क्यू एन ए में आंसर दो, अगर आप लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते यूट्यूब पे ही सिर्फ मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो मैं यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पिक करके ब्लॉग में आंसर दूंगी, तो बाकी अभी चलो इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, आपको कैसा लगा एंड किस किस को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले, आप लोगों के डाउट्स दूर हुए या नहीं वो भी कमेंट करके बताना, बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय गाइस लव यू टेक केयर।